नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। केंद्रीय टीम बिहार पहुंची है। आपको हम बता दें, कोरोना के संक्रमण की जो चेन है वो लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार हर एहतियात कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें आंकड़े लगभग 1500-1700 के आसपास नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीम गठित की है और वो टीम बिहार पहुंच चुकी है। तस्वीर आप देखते होंगे, पटना एयरपोर्ट की है, जहां पर आपको बता दें केंद्रीय संयुक्त सचिव लव अग्रवाल समेत 3 अधिकारी पटना पहुंच चुके हैं। बिहार में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की जांच करने के लिए ये टीम पहुंची है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग समेत आला अधिकारियों के साथ ये टीम बैठक करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इस बैठक में शरीक करेंगे, तो एक बड़ी मीटिंग भी होगी। जो टीम पहुंची है बिहार, आपको पता है कोरोना का जो चेन है वो टूट नहीं रहा है। आंकड़े बिहार में लगभग 25,000 तक हो चुके हैं। ऐसे में 15,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं, वहीं 9,000 से अधिक लोग फिलहाल उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव ही है, उनका उपचार हो रहा है। और ऐसे में जो केंद्रीय टीम है वो बिहार पहुंची है। आपको पता है कुछ दिन पहले ही, अगर हम विस्तार से आपको बताएं, तो चिट्ठी जारी करके स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई थी। केंद्रीय जो टीम है वो बिहार आएगी और बिहार पहुंच चुकी है केंद्रीय टीम। जो तस्वीरें आप देख भी सकते होंगे, संयुक्त सचिव लगवाल के समेत जो 3 और वरीय अधिकारी हैं वो डॉक्टर एस के सिंह हैं, डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की तरफ से उन्हें भेजा गया है। डॉक्टर नीरज निशरकल है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट के, एम्स से आए हैं। तो कहीं ना कहीं कैसे आखिर बिहार में कोरोना पर ब्रेक लगाई जाए? जो चेन है लगातार बढ़ रही है, आखिर कैसे? हम जानते हैं फिर से एक बार लॉकडाउन कर दिया गया है बिहार को 31 जुलाई तक। ऐसे में किन उपायों को देखा जाए, किन उपायों पर फिर से प्रयोग किया जाए? क्योंकि आपको पता है दिल्ली जैसे अगर हम राजधानी की बात करें, शहर की बात करें, तो वहाँ पर पहले भी काफ़ी संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन इन दिनों अगर हम देखें तो संक्रमण की जो रफ्तार है धीमी हुई है। हाँ, ये पता है कि बिहार में टेस्ट की जो संख्या है वो बढ़ानी होगी, लेकिन टेस्ट की संख्या बढ़ाने के साथ साथ और क्या क्या करना होगा? लॉकडाउन तो कर दिया गया है, लेकिन आखिर कैसे बिहार में कोरोना की जो चेन है वो टूटेगी, उस पर ब्रेक लगेगा, रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, इसको लेकर के केंद्रीय टीम आज बिहार पहुंची है। लव अग्रवाल समेत 2 और जो डॉक्टर्स हैं वो आए हैं साथ में। अब देखने वाली बात यह है कि मीटिंग के बाद क्या कुछ सामने निकल के आता है। आप लाइव सिटी से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में धीरे धीरे जब ये कोरोना की जो चेन है वो और बढ़ेगी तो लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अब क्या केंद्र ही बिहार के संकट को जल्द ही दूर करेगा? ऐसे में उम्मीदें बहुत हैं जो केंद्रीय टीम आई है उससे बिहार के लोगों को, क्योंकि लोगों का भी घर में रह कर बुरा हाल हो गया हमें पता है, लेकिन आपको सचेत और सतर्क रहना होगा, अफवाहों में बिल्कुल नहीं पड़ना होगा। आप लाइव स्ट्रीम पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।